हेलो फ्रेंड, यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब का प्रयोग आप इस भरोसे के साथ करते हो कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। आप सैकड़ों वीडियोस देखते हो, आप न्यूज़ चैनल को भी इसी भरोसे के साथ देखते हो। ये अलग बात है कि आप न्यूज़ वाले न्यूज रूम में बैठे बैठे एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से लड़ाने का काम करते हैं, समाज में जहर घोलने का भी काम करते हैं। ऐसी कई वीडियोज़ भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर शेयर की जाती हैं और आज इस वीडियो में हम आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो कि झूठी हैं, जो फैलाई गई, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियोस आपने भी देखी है। पहली वीडियो, एक उस बाप की तकलीफ को कोई समझ सकता है, कोई जिसका जवान औलाद का जनाजा बूढ़े बाप को उठाना पड़े। टांडा में 22 साल के रिजवान अहमद की पुलिस ने पीट पीट कर हत्या कर दी। और ऐसी निचता तो मत करो। ये एक लोग फेसबुक पर शेयर किए, उसके बाद इसको हज़ारों लोगों ने शेयर किया, देखा। और बाद में ये पता चला, अंबेडकर नगर की पुलिस ने ट्विटर हैंडल पर ऑफिशियल बयान जारी किया कि यह झूठ है। जो भी मतलब बयान दिया गया उसमें यह है कि 18 अप्रैल को अंबेडकर नगर के जो टांडा है उसमें रिजवान की मृत्यु के संबंध में यह आरोप जो लगाया गया था कि पुलिस ने पीटा है और उसकी डेथ हुई है, ये बिल्कुल गलत है। पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग जो डेथ हुई थी, उसका हृदय और फेफड़े में संक्रमण हुआ था और उसके शरीर पर चोटें आई थी और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था, जो न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ था। तो इस तरह से पहली फेक न्यूज़ है। दूसरी फेक न्यूज़ आपके सामने है, जिसमें आपने अभी वीडियोस देखा होगा फेसबुक और व्हाट्सएप पर, जब नोट मिल मतलब चारों तरफ एक ऐसी जगह है जहाँ पर नोट गिरी हुई थी, जिसको लोगों ने कहा कि कुछ एक विशेष संप्रदाय के द्वारा लोग अब नोट फेंके जा रहे हैं संक्रमण को फैलाने के लिए। कुछ लोगों ने फेसबुक पर शेयर भी किया, सिंगल सोर्स फाइंड्स मेनी इनोवेसिव मेथड्स टू स्प्रेड वायरस। अब कई प्रकार के वायरस फैलाने के और भी तरीके हैं। अब थूकने से मन भर चुका है तो अब नया तरीका करेंसी को फेंकने का है और पुलिस ऐसे लोगों को जान नहीं पाएगी। ये किसी ने फेसबुक पर शेयर किया, उसके बाद ये भी शेयर किया जाने लगा कि नोट के माध्यम से कोरोना वायरस को तेज़ी से फैलाया जा रहा है। बाद में ये न्यूज़ भी फेक मिली और यहाँ पर खातीपुरा में मिले नोट गैस कंपनी के हैकर के जेब से गिरे थे, जहाँ पर आप देख सकते हैं। हीरा यह अखबार में भी दिया था और उसके बाद पुलिस ने भी ऑफिशियली ये मतलब बताया कि ये हीरा नगर थाना क्षेत्र में नोटों के रहस्य में शुक्रवार को पर्दा हटा और सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ कि नोट एक गैस कंपनी के हैकर की जेब से गिरे थे। और उन्होंने बताया कि 500 और 200 के नोट मिलने के बाद हड़कंप मचा था। सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि साइकिल से वो जा रहा था और फुटेज में नोट गिरते हुए भी दिख रहे हैं। तो किस तरह से आपको मतलब एक प्रकार से एक संप्रदाय के प्रति आपके मन में जहर घोला जा रहा है लोगों के द्वारा। देखिए, तीसरा है, आपने ऐसा देखा होगा, बेटे से माँ की जुदाई है, हे भगवान हर माँ की रक्षा करो। इटली की महिला कोरोना की तीसरी और आखिरी स्टेज में थी, सामने उसका 18 महीने का बच्चा बहुत रो रहा था। तो उसने अपनी आखिरी इच्छा सरकार से जाहिर की, वो बच्चे को गले लगाना चाहती है। सरकार से उसकी पूरी बॉडी को मतलब पारदर्शी झिल्ली से कवर करने के बाद उसकी छाती पर लटा दिया, बच्चा चुप हो गया और माँ हमेशा के लिए सो गई। इस तरह की चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ये न्यूज़ भी फेक है। आप इसको भी जब सर्च किया गया तो ये न्यूज़ बहुत पुरानी मिली, 1985 की न्यूज़ मिली USA की, ठीक है। ये 1985 की है जिसको कोरोना से कनेक्ट किया जा रहा है। इसमें बताया गया कि यह तस्वीर जो है वाशिंगटन के फ्रेंड हंचिसन कैंसर सेंटर की, और इस 1985 के जो बच्चा है वो लेमिनार एयरफ्लो रूम में है, जिसके चलते माँ ने यह सुरक्षा पोशाक पहना हुआ है। बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने वाला था और वेबसाइट के अनुसार ये तस्वीर को बट गए ने खींचा था। तो ये भी न्यूज़ फेक है, लेकिन किस तरह से आपके मन में एक अलग से भय, एक अलग प्रकार की मतलब छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। एक और फेक न्यूज़ है कोरोना के बारे में, जिसमें कानपुर में एक व्यक्ति को कोरोना का मरीज बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, देख सकते हैं आप, कोरोना पेशेंट इन कानपुर बहुत तेज़ी से तड़प रहा था। इस वीडियो को भी आपने व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर जरूर देखा होगा और अलर्ट रहें। इसमें कई लोग कह रहे हैं, देखिए, किसी ने कहा कि एम्बुलेंस को बुलाओ और कोई छुओ मत, नहीं तो खुद को भी हो जाएगा। बाद में ये न्यूज़ भी फेक निकली। इसमें डॉक्टर आरती दवे लाल चंदानी ने बताया, वो वहाँ की हेड थी, उन्होंने बताया कि ये कुछ कोरोना का पेशेंट नहीं बल्कि उसको मिर्गी का दौरा आया था। और यहाँ जो मतलब मिर्गी का दौरा आया था और वो उसको कोरोना वार्ड में लेकर जा रहे थे, कोरोना वार्ड में जनरली उसको एडमिट नहीं किया जाना था, बिकॉज वो ऑलरेडी मतलब दूसरा केस था और वो अक्सर आता जाता रहता वो पेशेंट। तो ये भी गलत न्यूज़ है। इसके बाद भारत में सड़क पर कोरोना का मरीज मिला तो देखिए पुलिस और डॉक्टरों ने क्या किया, इस प्रकार की न्यूज़ भी दिखाई गई। और इसमें भी बताया गया कि कोरोना का मतलब पुलिस का बहुत ही बर्बर चेहरा दिखाया गया, मतलब पुलिस के बारे में मतलब लोगों को एक प्रकार से ये बताने का कोशिश किया गया कि देखो इतना खतरनाक होता है, इस तरह चीज़ों को दिखाया था। लेकिन बाद में बाराबंकी पुलिस ने अपने ट्विटर माध्यम से कहा कि ये तिराहा बाराबंकी में नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम में तो मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और ये भी बिल्कुल गलत था। उसके बाद
एक और हैं, ये भी अब इस समय एक ये लोग बुरका पहनकर गाय का मीट लेकर मंदिर में रखने आया था, पता नहीं देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ये लोग। मतलब देखिए आप कैसे आपके दिमाग को, मतलब जहर आपके दिमाग में जानबूझकर डाला जा रहा है। अब इसको यूट्यूब पर भी देखा गया, एक चैनल पर ये वीडियो 5 मार्च 2018 की अपलोड की गई थी और ये इस समय कोरोना के काल में शेयर किया जा रहा है। इसमें ये गर्लफ्रेंड से मिलने पहुँचे थे साहब और इनकी मोहल्ला वासियों ने धुनाई कर दी थी, ठीक है। लेकिन अब देखिए किस तरह से चीज़ें मतलब आपके दिमाग में, मैंने बार बार बताया कि आपको गलत सूचनाओं के माध्यम से माइंड आपका डाइवर्ट कर दिया था। तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप ऐसी न्यूज़ का भरोसा मत किया करिए। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो भी आपको कुछ मिल जाता है तो उसको तुरंत पलक झपकते ही शेयर मत कर दिया करिए। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आप मतलब ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे समाज के कोई भी वर्ग किसी को भी नुकसान हो। मीडिया वाले क्या कहते हैं वो आप देखते हैं, हम